अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे आप सब। और जुमेरात का दिन साल हो गए, कई साल हो गए, 33 इयर्स है। और इतने सालों से ये लेक्चर, ये गुफ्तगू, इसको हम वर्ड ऑफ विजडम भी कहते थे किसी जमाने में, फूड फॉर थॉट भी कहते थे, रिफ्लेक्शंस भी कहते थे। फिर इवेंचुअली हमने कुछ सालों पहले इसका नाम लेसन्स ऑफ लाइफ, जिंदगी के अजबाक या जिंदगी के सबक समझ लें। सबको मेरा सलाम जी, सबको मेरा सलाम। चूंकि थर्सडे मैं अकेला होता हूँ आपके साथ, तो जाहिर है मैं उस तरह इंटरेक्ट नहीं कर सकता जिस तरह उरूज करती है। उरूज माहिर है लोगों से इंटरेक्ट करने में, मैं इतना माहिर नहीं हूँ जी। सबको सलाम अभिषेक, नाइस टू सी यू ऑल ऑफ यू। अच्छा जी, चूंकि थर्सडे को हम ज़्यादातर क्वेश्चंस लेते हैं और उसके बाद हम 10 मिनट हेवन ऑफ हीलिंग की मेडिटेशन करते हैं, और जब मंगल यानी ट्यूसडे और सैटरडे हम सिर्फ हेवन ऑफ हीलिंग करते हैं, उसमें मैं उरूज होते हैं, उस वक्त हम ये करते हैं कि एक टॉपिक लेते हैं, एक सब्जेक्ट लेते हैं, उस पर कोई हम 15-20 मिनट बात करके देन वी डायरेक्टली गो फॉर हेवन ऑफ हीलिंग की मेडिटेशन। थैंक यू वेरी मच राबिया, अमजद, बहुत शुक्रिया। आप लोगों की दुआएं चाहिए। कौसर, सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम एवरीबडी, सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम। हम लोग आजकल बहुत मसरूफ़ है क्योंकि आपको पता ना, सिल्वा 18 से लॉन्च हो रहा है, तो हर दफ़ा एक नई वीडियो, एक नया कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। अभी मेरे पास एक डिफरेंट वीडियो आई है जो बड़ी खूबसूरत किसी ने बनाई है, मैं चेक करता हूँ, शायद न्यूजीलैंड की टीम ने बनाई है या US की टीम ने बनाई है, वो भी हम बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करेंगे, सिल्वा की। तो सिल्वा की वजह से काफ़ी बिजी हम लोग। सबको मेरा सलाम जी, सबको वालेकुम सलाम। आपकी इजाज़त हो, शुरू करते हैं हम आज का सेशन आपका लेसन्स ऑफ लाइफ। और ये पूरी दुनिया में देखा जाता है, तो आप भी इसको देखने के बाद प्लीज़ शेयर करें, जितना शेयर कर सकते हैं शेयर करें। ना जाने किसको कोई फ़ायदा हो जाए, कोई सवाल का जवाब मिल जाए और किसी की जिंदगी बदल जाए, किसी को डिप्रेशन से निकल आए, किसी को पुरउम्मीद हो जाए कोई, तो सिर्फ इसको शेयर करते रहे। और जिसको भी शेयर करें उससे रिक्वेस्ट करें आगे वो शेयर करें। अच्छा जी, पहला सवाल, इससे तीन सवाल किसी ने लिखे, मुझे नहीं पता ये, उन्होंने नाम नहीं दिया अपना, इंग्लिश में, तो मैं थोड़ा सा उर्दू में ही बोलूंगा। अ पर्सन इज ऑलवेज इन माई माइंड इवन दो आई हैव बीन टॉक विद हिम फॉर 4 इयर्स, 4 साल से मैंने बात नहीं की, मेरे जहन पे सवार है। एक वक्त था जब हम बहुत अच्छे दोस्त थे, उसने मुझसे कहा था वो मुझसे प्यार करता है, मगर चूंकि उसकी माँ मुझे पसंद नहीं करती, उसने मुझसे बात करना बंद कर दी, या मेरी माँ पसंद नहीं करती थी, मैंने बात करना बंद की। मैं दुआएं की हर सेकंड उसके लिए, मेरा जहन बार बार उसका नाम दोहराता है, बार बार उसको याद करता है। मैं उसके बगैर खुश हूँ, डू आई लव हिम, बड़ा डिफिकल्ट है। मोहब्बत आमतौर पर हम समझते हैं किसी चीज़ को अपना ले तो मोहब्बत पूरी हो जाती है, असल में मोहब्बत पूरी होती उसी वक्त है जब जिससे आप प्यार करते हो उसे अपना ना सके। तो वो सारी ज़िंदगी वो जो खलिश, वो तड़प, वो प्यार, वो शिद्दत हमेशा मौजूद रहती है क्योंकि आग कभी बुझती नहीं है। तो मैं नहीं कहता कि मोहब्बत हो तो शादी ना करो, डेफिनेटली अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आपके घर वाले राजी हैं, किसी की नाराज़गी नहीं है, तो डेफिनेटली मोहब्बत शादी में कन्वर्ट होनी चाहिए। मगर अगर शादी नहीं भी होती तो मोहब्बत को अपने दिल में, अपने अपनी जात में हमेशा उस लौ को जिंदा रखें, उस चराग को हमेशा जलाए रखें। तो मे बी यू लव हिम, अगर कोई शख्स बार बार इतने सालों से आपके जहन में उसका ख्याल आता है, आप उससे बात नहीं करती और उसके बगैर भी आप खुश हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि आपको मोहब्बत नहीं है। कई दफ़ा मोहब्बत इटसेल्फ काफ़ी होती है आपको खुश रखने के लिए, ज़रूरी नहीं कि जो मिल जाए उससे खुशी हो। दूसरा सवाल इसी का लगता है, फील लाइक आई एम टॉकिंग विथ हिम, मुझे लगता है मैं उससे बात कर रही हूँ और मैं डेली अपने मेंटल मैसेजेस उसे भेजती हूँ। वो शादीशुदा है, बहुत खुश है और मेरी भी इंगेजमेंट हो चुकी है, वो मेरा कज़न है, मैं बहुत सुकून महसूस करती हूँ जब वो मेरे अतराफ में होता है। आपके ख्याल में क्या वो भी ये फील करता है, ये मैं नहीं कह सकता, मगर क्या ये इम्पोर्टेंट है कि वो भी ये फील करे? सी, हमारी सारी ज़िंदगी हमारे साथ प्रॉब्लम ही होता है, हम कहते हैं मैं किसी से मोहब्बत करता हूँ तो वो भी मुझसे मोहब्बत करे। अगर मुझे किसी की मौजूदगी में सुकून मिलता है, तहफ्फुज़ मिलता है, तो क्या उसे मिलता है? ये चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए आपको, बहुत इम्पोर्टेंट है
कि आपके अपने जज्बात असल हकीकत वो है, दूसरा क्या सोचता है क्या नहीं सोचता ये जरूरी नहीं है कि आप उसके बारे में सोचें, ठीक है। तीसरा सवाल, हमने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया बिकॉज हम एक दूसरे से बात नहीं करना चाह रहे थे, वो मुझे देखता भी नहीं है जब मैं अतराफ में हूँ, करीब से गुजरूँ, जाहिर है फैमिली एक बड़ी फैमिली है तो देखते भी होंगे मगर वो मेरी तरफ नजर नहीं करता। मैं ये दुआ करती हूँ कि अपनी बीवी के साथ खुश रहे, तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम क्या है कि इसका बार बार नाम क्यों आता है, जब कभी मैं उसे देखती हूँ ऐसा लगता है जैसे मुझे सदियों से मैं उसे जानती हूँ। अक्सर ये होता है जी मोहब्बत में, वो अगर आपने इंडियन फिल्में देखी है, जन्म जन्म की बात है तो हम जन्म पे तो बात नहीं कर रहे मगर इतना ज़रूर है, मैं अपने प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में एक जिक्र कर चुका हूँ सोलमेट का। सोलमेट दुनिया में ज़रूरी नहीं कि मियाँ बीवी हो, कोई भी सोलमेट हो सकता है, दो दोस्त हो सकते हैं, आप किसी से प्यार करते हैं, हो सकता है उसकी शादी किसी और के साथ हो मगर वो हमेशा आपका सोलमेट रहेगा। सोलमेट का कॉन्सेप्ट यह है कि जब हम आलम अरवा में थे, जब हम जन्नत में थे, उस वक्त कुछ रूहें हमसे बड़ा गहरा ताल्लुक था उसका। एक वो रूह थी जो हमारी जात से बिल्कुल मुंसलिक, जैसे इंग एंड यांग, दो एनर्जी के दो लेवल, एक मेल एक फीमेल, इस तरह रूह का भी एक पार्ट होता है, उसे सोलमेट कहते हैं। और वो अतराफ में और भी जो मुख्तलिफ रूहें थी उनके साथ हमारा ताल्लुक था। जब हम दुनिया में आते हैं तो अक्सर लोग शादी के बाद भी नाखुश होते हैं, शादियां नाकाम होती हैं, वो हमेशा किसी ऐसे शख्स की तलाश में होते हैं जो उसकी ज़ात में जो तशनगी है उसे पूरी कर सके। और कई दफ़ा ये सफ़र सारी उम्र तक रहता है और पूरी उम्र गुजर जाती है मगर वो तशनगी, वो प्यास कभी बुझती नहीं है। तो ये जो सोलमेट की तलाश है, ये तलाश रहनी चाहिए, ज़रूर रहनी चाहिए। अगर आपका सोलमेट आपकी बीवी है तो बहुत अच्छा, आपका शौहर है बहुत अच्छा, हो सकता है सोलमेट आपका भाई हो सकता है सोलमेट आपका दोस्त हो, कोई उस्ताद हो, कोई टीचर हो, कोई भी सोलमेट हो सकता है। नेक्स्ट सवाल, मेरा सवाल ये था कि सखावत क्या है और कैसे सखावत की जाए। ये हमारे एक दोस्त का सवाल है, मेरे ख्याल में मिडल ईस्ट से कहीं इन्होंने सवाल किया। लफ्ज सखावत को समझने के लिए सखी समझना जरूरी है। अब आमतौर पर हम कहते हैं कि सखावत वो है या सखी वो है जो अपनी दौलत को दूसरों में बांटता है, वो अपनी दौलत को हाजतमंदों को देता है, दूसरों की मदद करता है, वो सखी है। सखावत का ताल्लुक सिर्फ दौलत से नहीं है, किसी को आप वक्त देते हैं अपने वक्त में से निकाल कर, वो भी सखावत है। किसी को आप नॉलेज देते हैं अपना वक्त निकाल कर, अपनी नॉलेज को शेयर करते हैं, वो भी सखावत है। किसी की तीमारदारी करने जाते हैं, वो भी सखावत है। किसी कोई तकलीफ में है, कोई परेशान है, वो भी सखावत है। एक आज बात बड़ी इंटरेस्टिंग मैं आपसे करूँ और अगर आप मेरी ये जुमले को समझ जाएँ और ज़िंदगी पर इसको अपने साथ पकड़ के रखें तो शायद ज़िंदगी में मकसद हयात, मकसद ज़िंदगी बहुत कुछ समझ में आएगा। कुछ सवाल ऐसे हैं जो अल्लाह इंसान से करेगा, कुछ सवाल ऐसे हैं जो अल्लाह इंसान से करेगा मगर अफसोस की बात है कि वो सवाल इंसान इंसान से करता है जबकि उसे नहीं करना चाहिए। वो कौन से सवाल है जो अल्लाह करेगा इंसान से और सिर्फ अल्लाह को हक है कि वो इंसान से सवाल करे। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा दीन क्या है, तुम्हारा मसलक क्या है, तुम इबादत करते हो, तुमने रोज़ा रखा, तुमने अपने माल में से दूसरों की मदद की, ये वो सवाल है जिसका हक सिर्फ अल्लाह ताला को है मगर यही सवाल इंसान करता है, तुमने रोज़ा क्यों नहीं रखा, है ना, करता है ना इंसान, जबकि ये सवाल करने चाहिए अल्लाह से। तो सखावत ये होनी चाहिए इंसान की, जो सवाल इंसान से इंसान करे उसी के अंदर सखावत के कॉन्सेप्ट को समझे। इंसान इंसान से सवाल करे, तुम परेशान तो नहीं हो, तुमने खाना खाया था, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, ये वो सवाल है जो इंसान इंसान से करे। जो शख्स ये सवाल दूसरे इंसान से करता है वो सखी है और वो सखावत का इजहार है उसकी ज़िंदगी में। तो अपना वक्त देना, अपनी दौलत भी देना, अपना इल्म भी देना, किसी की तीमारदारी करना, किसी के साथ वक्त गुजारना, किसी के होंठों पे आपकी वजह से हंसी आए, किसी को उम्मीद देना, ये सारी की सारी सखावत में आती है। कहना तो नहीं चाहिए मगर बाज़ दफ़ा मुझे ज़रूरी होता है समझाना लोगों को। ये जो हम जुमेरात का सेशन करते हैं, 33 ईयर शायद हो जाएंगे इस साल, इसका हम कोई चार्ज नहीं करते आपसे। 1 आवर मेरा हर हफ्ते जाता है बिकॉज हम समझते हैं कि हम कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, शायद इस लेक्चर की वजह से। और ये हुआ है, हमारे पास कई टेस्टिमनीज है
इस लेक्चर को सुनने की वजह से कई लोगों ने खुदकुशी का इरादा कैंसिल कर दिया, कई लोग पुरउम्मीद हो गए, कईयों ने फिर जिंदगी में जिद्दोजहद शुरू की, दे स्टार्टेड फाइटिंग अगेन, दे बिकेम होपफुल, उनको फेथ डेवलप हो गया। कई लोग ऐसे थे जो अल्लाह की तरफ रागिब हो गए, अल्लाह की तरफ रिश्ता जुड़ गया सिर्फ इस जुमेरात के लेक्चर को, क्योंकि मुझे नहीं पता कौन कौन सुनता है, कहाँ का ये शहर होती है, किस किस जगह लोग देखते हैं, मगर यकीनन कहीं ना कहीं किसी को फायदा होता है। तो हमें इसके बदले कुछ नहीं चाहिए आपसे, कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ समर ऐसा है, कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं, कुछ रिजल्ट ऐसा है, कुछ अजर ऐसा है जो इंसान इंसान को नहीं दे सकता, सिर्फ पैदा करने वाला देगा। नेक्स्ट सवाल, समटाइम्स डियर सर, समटाइम्स व्हेन वी सी समवन फॉर द फर्स्ट टाइम और अ न्यू प्लेस, वी गेट अ फीलिंग लाइक वी हैव ऑलरेडी बीन दिस प्लेस और वी हैव ऑलरेडी मेट दिस पर्सन बिफोर, इज देयर एनी साइंस बिहाइंड लव एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम इंडिया। शाबाश, शाबाश हमारे इंडियन फैन है, कुछ वर्कशॉप भी कर चुके। शाबाश, इस कॉन्सेप्ट को मैं कई दफ़ा थर्सडे लेक्चर में बता चुका हूँ। एक कॉन्सेप्ट है मेडिकली और साइंटिफिकली, उसे डेजा वू कहते हैं। अच्छा, डेजा वू का कॉन्सेप्ट यह है कि जब आपकी आँख देखती है, कान सुनते, हाथ छूते, यानी जो भी स्टिमुलस बैरूनी दुनिया से आपके पास आता है, इंस्टेंटली आपका ब्रेन उसका एक इमेज बनाता है। आपको पता है शायद आपने फोर्थ डायमेंशन या सिल्वा की आपको हमने बताया है कि योर ब्रेन डज नॉट वर्क इन वर्ड्स, इट वर्क्स इन इमेजेस। आपका ब्रेन अल्फाज की वजह से काम नहीं करता, अल्फाज जब वो सुनता है तो उसके खाके बनाता है, उसकी तस्वीरें बनाता है, जिसको हम इमेजेस कहते हैं। अब मैं मिसाल को समझाने के लिए, आप जा रहे हैं रास्ते में से एक बिल्ली गुजरी, आपकी आंखों ने बिल्ली को देखा, क्या बिल्ली के ऊपर कोई लेबल, कोई पोस्टर, कोई साइन है कि ये बिल्ली है? हाउ डू यू नो इट्स अ कैट? आपको कैसे पता चला कैट है? क्योंकि जैसे ही आंखों के अंदर तस्वीर गई, वो तस्वीर ब्रेन के पीछे वाले हिस्से में गई, ब्रेन ने उस तस्वीर को समझने के लिए अपने डेटा में से, हिस्ट्री में से, अपने रिकॉर्ड में से उसने तमाम तस्वीरें निकाली और देखा कि ये वो तस्वीर है जो पहले कभी देखी थी और उसको बिल्ली कहा गया था, तो वो तस्वीर इस तस्वीर के साथ मिलती है तो आप पहचानते कि बिल्ली जा रही है। एंड दिस हैपेंस इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड, इतना क्विकली ये काम करता है थॉट प्रोसेस आपका। अगर कोई बिल्ली की तस्वीर नहीं होगी आपके जहन में, पिछली बिल्ली की बचपन में देखी होगी, तो आप नहीं पहचानेंगे कि सामने चार पैरों पे चलने वाली चीज क्या है। तो अब ये होता है कि जैसी कोई चीज आप देखते हैं, सुनते हैं, तो ब्रेन में इमेज बन जाता है। बाज लोगों में जो बहुत सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं, बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, अक्सर देखा गया अदीब में, शायर में, म्यूजिशंस में, गुलूकार में, ड्रामा नवीस में, या ऐसे एक्टर्स एक्ट्रेसेस जो बहुत सेंसिटिव होते हैं लोग, आर्टिस्ट पेंटर्स, उनके अंदर बाज दफा एक की बजाय दो सिग्नल जाते हैं। यानी मैं एक पुल की तरफ गया, मैं एक ब्रिज की तरफ जा रहा हूँ, पुल की तरफ जा रहा हूँ, और एक की बजाय दो सिग्नल गए मेरे ब्रेन में। पहला सिग्नल गया, उसने इमेज बना दिया। दूसरा सिग्नल जब जाता है तो चूंकि ऑलरेडी इमेज बन चुका है, तो मुझे ऐसा लगता है, ऐसा फील होता है कि ये जगह में पहले भी आ चुका हूँ, ये जगह में पहले भी देख चुका हूँ, या ये बात शख्स ने जो की है, मुझे लगता है कि पहले भी ये बात हो चुकी है। तो ये एक मेडिकल और साइंटिफिक फिनोमेना है, एंड दिस हैपेंस मेरे साथ कई दफ़ा होता है, उरूज के साथ कई दफ़ा होता है। हम लोग जो बेसिकली तख्लीकी सलाहियत ज़्यादा होती है हमारे दिमाग के अंदर, बाज़ दफ़ा सेंसिटिविटी की वजह से हम दो दो सिग्नल एक साथ लेते हैं। नेक्स्ट सवाल जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आप लोग रेडी है? नेक्स्ट सवाल, वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, ये बताएं रिश्ते में दरार क्यों आती है? शादी के बाद मियां जोरू गुलाम क्यों बन जाते हैं? रीजन क्या है? ओ माय गॉड, ये यकीनन किसी सास ने लिखा होगा, क्योंकि उनको तकलीफ होगी कि उनका बेटा जोरू का गुलाम बन गया। अच्छा, बहुत सारी चीजों का ताल्लुक सोसाइटी के नॉर्म्स है। जिस माहौल में आप रहते हैं वो माहौल आपकी पर्सनैलिटी को तराशता है। जैसे एक पत्थर को बुत तराशता है ना, बुत तराश होता है, वो पत्थर में से पूरा एक खाका निकालता है, एक स्कल्पचर करता है उसको। तो इसी तरह माशरा हमारे साथ ये करता है। जिन घरों में रिश्तों की अहमियत होती है, रिश्तों का वकार होता है, उन घरों में जो औलाद पलती है वो जब बड़ी होने के बाद, जवेरिया ना लिखे मैं पढ़ नहीं सकता,
जो भी आप लोगों को सवाल लिखने हो वो आप ईमेल करें, जब आपके वक्त आएगा मैं थर्सडे के लेक्चर में आपको सर वो मैंने शेयर किया था जो वीरियन ने लिखा। ओके सॉरी बेटा, मुझे नजर नहीं आया, बहुत छोटा था। एनीवे थैंक यू वेरी मच, आप शेयर करते रहे, नो प्रॉब्लम। अच्छा, तो जिस घर के अंदर रिश्तों की अहमियत समझाई गई, रिश्तों का तकद्दस समझाया गया, उस घरों में आप रिश्तों को प्यार भी करते हैं और उनका अदब और एहतराम करते हैं। अब जब आप बड़े हो गए, अब आपकी शादी हुई, चाहे आप लड़की हो लड़की हो, अब जो भी रिश्ता नया बनेगा आपके साथ, अगर आप लड़की हैं तो एक रिश्ता आपका शौहर के साथ होगा, एक रिश्ता शौहर के घर वालों के साथ होगा, शौहर के रिश्तेदारों के साथ होगा, तो उन रिश्तों की अहमियत को आप अपने मकाम पर रखेंगे, क्योंकि आपके माँ बाप ने आपको बचपन में रिश्तों की अहमियत के बारे में दर्ज दिया है, और सिर्फ बोला नहीं है, करके दिखाया है। तो अब आपको भी रिश्तों की अहमियत होगी। ये जोड़ू का गुलाम भी माशरे में इस वजह से आया कि बाज दफा ये हुआ कि कोई लड़का शादी के बाद अपनी बीवी को तवज्जो ज्यादा दे रहा है, अपनी माँ को, अपने वालिद को, अपनी बहन को, भाई को, उन रिश्तों को वो निग्लेक्ट कर रहा है, वो जिम्मेदारी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उसके ऊपर है वो उसे पूरा नहीं कर रहा। तो फिर ये वर्ड आता है जोरू का गुलाम, यानी बीवी का गुलाम बन गया। मगर कभी कभी ये भी होता है कि बीवी भी शोहर की गुलाम बन जाती है, और फिर वो अपने माँ बाप से भी नाता तोड़ देती है, बाज़ दफ़ा सास इतनी सख्त होती है कि उसे अपने मैके जाने नहीं देती, तो रिश्तों में बड़ी प्रॉब्लम होती है। अच्छा, रिश्तों में दरार पड़ती क्यों है? मैंने कई दफ़ा एक बात कही, टीवी पे भी कही है, बड़े बड़े लेक्चर्स में भी कहा, मैंने कहा अगर रिश्ता मियाँ बीवी का, अगर उस रिश्ते को मजबूत करना हो और उसको निभाना हो तो तीन कंडीशन लाजिम है। मियाँ बीवी के दरमियान ये थ्री कंडीशंस होनी चाहिए तो ये रिश्ता अमर है, कभी नहीं टूटेगा। एक कंडीशन ये है कि मियाँ बीवी के दरमियान प्यार हो ना हो, दोस्ती होनी चाहिए। अच्छा, प्यार जो है उसका ताल्लुक जज्बात से बहुत है। इनिशियली जब आपको किसी से मोहब्बत होती है तो उसमें जज्बात का तलातुम होता है, तूफान होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता शादी होती है, वो जज्बात कन्वर्ट होते, खत्म नहीं होते, कन्वर्ट होते दोस्ती में। अब जरूरी नहीं कि आप हर रोज आई लव यू, तुम्हारी आंखें इतनी खूबसूरत है, तुम्हारी साड़ी में कितनी अच्छी लग रही हो, जरूरी नहीं कि हर रोज आप ये कॉम्प्लीमेंट दें, पहले देते थे। अब शादी के बाद जिंदगी की बहुत सारी प्रैक्टिकलिटीज आ गई, शोहर अपने काम पे जाता है, उसे अपने घर की फिक्र है, अपनी बीवी की फिक्र है, हो सकता है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट ना दे, लेकिन वो आपसे प्यार करता है। हो सकता है बीवी पहले बहुत कॉम्प्लीमेंट, यार सूट कितना अच्छा लग रहा है, टाई कितनी खूबसूरत है, आओ जल्दी आओ, तुम थके हुए, मैं तुम्हें चाय बना दूं, हो सकता है बाद में थोड़ा सा कम हो जाए, बट डजंट मीन शी स्टॉप लविंग यू, वो अब आपकी दोस्त बन चुकी है। तो पहली शर्त यह है, अगर शादी के रिश्ते को मजबूत करना है, तमाम शादीशुदा जोड़े सुन ले, पहली शर्त दोस्ती, दूसरी शर्त म्यूचुअल रिस्पेक्ट, एक दूसरे को इज्जत दें, एक दूसरे की इज्जत करें, यानी आपने घर के अंदर दूसरों के सामने अपने स्पाउस को बुरा भला नहीं कहना, ऊंची आवाज में उससे बात नहीं करनी, उसकी बेइज्जती नहीं करनी। अगर आपको लड़ाई होती है, जाहिर है वो बर्तन जब दो होंगे तो टकराएंगे आपस में, कमरे में चले गए और आपने अपना मुद्दा बयान किया। याद रहे टोनैलिटी, टोन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किसी बात पे नाराजगी भी है और अपनी बीवी को या शोहर को ये बात बतानी है कि आप नाराज हैं, तो टोन का ख्याल रखें। टोन बाज दफा गलत हो तो सामने वाले के दिल को चीर के रख देती है। तो आप नरम लहजे में प्यार मोहब्बत से अपनी तकलीफ का इजहार करें, ये उस वक्त होगा जब आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे, और ये रिस्पेक्ट आपकी घर ही के अंदर ना हो, बाहर भी हो। आपकी बीवी को आप रिस्पेक्ट दे, वो आपको रिस्पेक्ट दे। कुरान में ये बात है ना कि मियां बीवी एक दूसरे के लिबास हैं। लिबास से मुराद क्या है, यानी आप लिबास से अपने जिस्म को ढांपते हैं। तो अगर बीवी की गलतियां हैं तो शौहर छुपा ले, शौहर की गलतियां हैं तो बीवी छुपा ले, बाहर किसी को ना पता होना चाहिए। तो एक चीज दोस्ती, दूसरी म्यूचुअल रिस्पेक्ट, तीसरी ट्रस्ट, एतमाद और भरोसा, एक दूसरे पे भरोसा और एतमाद होना चाहिए, बीवी को शौहर पे, शौहर पे बीवी। अब आप सोचें जो हमारे मर्द दोस्त इस वक्त मौजूद हैं, मुझे नहीं पता कितने लोग हैं, एक बात मैं करने लगा हूं और ये सोचने की बात है, आपकी वाइफ
और आपके बच्चे, अगर आपके बच्चे हैं तो ये बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी वाइफ पे आपको कितना ट्रस्ट है, कितना ट्रस्ट है। आप घर से चले जाते हैं, वो अगर घर पे रहती है, जॉब भी करती है, मगर कितना ट्रस्ट है आपको कि आपके बच्चे आपकी औलाद है। बात जरा तल्ख सी है पर सुनिए, कितना एतमाद है आपको अपनी वाइफ पे कि ये मेरे बच्चे हैं। ये लेवल होता है ट्रस्ट का, और यही ट्रस्ट बीवी को शौहर पर, औरत को मर्द पर होना चाहिए। एक दूसरे पे ट्रस्ट करें। कई दफा ऐसे हालात पैदा होते हैं घरों के अंदर, हसद पैदा होता है दूसरों को, बाहर वालों को हसद होता है, कई दफा घर में रहने वालों को हसद होता है, हसद होता है, वो कोशिश करते हैं आपके रिश्ते को कमजोर करने की। मगर अगर ये तीन चीजें हुई ना, दोस्ती, दोस्ती में हंसी मजाक सब चलता है। अच्छा, दोस्त से आप कभी छुपाते नहीं है, आप घर वालों से छुपाएंगे, दोस्त को हर राज की बात बताएंगे। तो बीवी सबसे बड़ी राजदार शौहर की, और शौहर सबसे बड़ा राजदार बीवी का। तो दोस्ती होगी तो हर चीज ओपनली बयान करेंगे, रिस्पेक्ट होगी तो टोनैलिटी का ख्याल रखेंगे, लबो लहजे का ख्याल रखेंगे, किस लबो लहजे में आपने अपने पार्टनर से मुखातिब होना है, उसको अपनी ग्रीवेंसेस, अपनी तकलीफ, अपनी शिकायत का वो करना है। और थर्ड, ट्रस्ट, भरोसा। और ये भरोसे में बहुत बड़ी बात कर गया हूँ, आपको अंदाजा नहीं है। आपको यकीन है कि ये जो बच्चे हैं ये आपके अपने हैं? कभी आपने सोचा कि मैं डीएनए टेस्ट करवाऊं कि बच्चे मेरे हैं कि नहीं? कभी नहीं सोचा ना, बिकॉज वो लेवल ऑफ ट्रस्ट है आपको, और यही लेवल ऑफ ट्रस्ट इंपॉर्टेंट है रिश्ते को मजबूती के साथ बांध के रखने की। अच्छा जी, नेक्स्ट सवाल, अस्सलाम वालेकुम सर, तोबा कबूल हो जाए तो गुनाह दोबारा सरजज नहीं हो सकता, इसका क्या मतलब है? कि कॉन्शियसली एंड इंटेंशनली हम खुद उस बुराई को अवॉइड करेंगे, या उस बुराई का ख्याल माइंड में आने के बावजूद अल्लाह हमसे उसे सरजद नहीं कराएगा? पहली चीज है कि अल्लाह गुनाह नहीं करवाता। आप अपने कॉन्शियस इख्तियार से गुनाह करते हैं, गलती करते हैं, अल्लाह नहीं कराता। अगर अल्लाह कराता तो फिर सजा क्यों होती? ये भी गलत कॉन्सेप्ट है कि तौबा करने के बाद दोबारा गुनाह नहीं करेंगे, गलत। मैंने पिछले लेक्चर्स में कॉन्सेप्ट समझाया था अस्तगफार और तौबा का, दोनों में फर्क क्या है। अस्तगफार पहला लेवल है, उसे रियलाइजेशन कहते हैं। जब इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो उसे अस्तगफार कहते हैं। फिर उसके अंदर एक लेवल आता है जिसमें पछतावा होता है, रिमोर्स जिसे कहते हैं। रिमोर्स जब होगा तब आप तौबा करेंगे। तौबा का मतलब है पलट जाना, यानी वापसी का रास्ता। तो अस्तगफार के बगैर तौबा नहीं होती, क्योंकि जब तक आपको रियलाइजेशन ही ना हो कि मैंने गुनाह क्या किया, और आपका अस्तगफार, अस्तगफारुल्लाह, अस्तगफारुल्लाह तस्बीह करते रहे, गुनाह का पता नहीं है, तो सिर्फ तौबा है, अस्तगफार नहीं है। पहले अस्तगफार का लेवल होता है। अस्तगफार के लिए कॉन्शियसली जिंदगी गुजारनी होती है, यानी बाशऊर, जी शऊर जिंदगी गुजारनी होती है। इंसान को अपने हर लम्हे के अमल का पता हो कि मैं क्या कर रहा हूँ। वो लेन देन है उसे पता है, वो माल बेच रहा है उसे पता है कि माल सही है कि गलत है, वो किसी को कर्ज दे रहा है उसे पता है कि मैं कर्ज दे रहा हूँ, लिख रहा है, किसी से ले रहा है लिख रहा है कि मैंने उससे इतना लिया है। तो ये बाशऊर जिंदगी गुजारना अगर पॉसिबल है तब भी अस्तगफार पॉसिबल है। लिव लाइफ कॉन्शियसली, थैंक यू। तो अस्तगफार पहला स्टेज होता है। उस स्टेज में फिर पहले तो मुझे रियलाइजेशन हुई कि मेरे से गलती हुई, गुनाह हुआ, ज्यादती हुई, अब मेरे अंदर एक पछतावे की कैफियत पैदा हुई, रिमोर्स, मुझे दुख हुआ। फिर मैं पलटा, यानी तौबा की तरफ आया और कहा अल्लाह ताला माफ कर दे, मुझसे गलती हुई है, मैं अहद करता हूं कि मैं वापस नहीं करूंगा। मगर आपके साथ एक डेविल नाम की चीज है जिसे हम इबलीस कहते हैं, शैतान, वो कभी आपको नहीं छोड़ता, सिर्फ कब्र में नहीं होगा आपके साथ, हमेशा आपके साथ रहता है। अब वो आपके जहन में थॉट्स पैदा करता है, जिसको हम वसवसे कहते हैं, थॉट्स पैदा करता है। अब ये थॉट्स पैदा करता है तो जितना थॉट्स पैदा होते हैं उतने जज्बात उभरते हैं, जज्बात उभरते हैं, आप एक्शन करते हैं, फिर गुनाह होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि तौबा का दरवाजा आखिरी वक्त तक खुला है। कोशिश करें कि तौबा के बाद वापस वो गुनाह ना हो। इंटेंशन, नियत आपकी होनी चाहिए कि मैं वापस नहीं करूंगा। नियत उस वक्त अगर ये होगी और फिर गुनाह हो गया तो फिर माफी हो सकती है, क्योंकि आपकी नियत सही थी ना करने की,
और पैदा करने वाला जानता है कि वो खबीज जो पीछे लगा हुआ है वो बार बार आपको तंग करेगा, तो वो माफ करने वाला इतना गफूर रहीम है कि हर मरतबा आप माफ करेगा। शर्त यह है कि हर दफा गलती के बाद सच्चे दिल से तोबा करे, तोबा से पहले इस्तगफार हो, रियलाइजेशन हो, रिमोर्स हो, पछतावा और फिर तोबा हो। नेक्स्ट सवाल, अस्सलाम वालेकुम सर, अल्लाह ब्लेस यू। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह आपको भी ब्लेस करे। यू आर डूइंग सच अ ग्रेट जॉब जिसका अजर अल्लाह की दे सकता है, बहुत शुक्रिया आपका। टुडे आई हैव अ क्वेश्चन अबाउट मेडिटेशन, व्हाट इज मेडिटेशन, हाउ इज इट वर्क्स, और व्हाट साइंस वर्क बिहाइंड दिस, एंड सेकंड, कैन वी लिसन एनी अदर वॉइसेस एंड कैन फील समवन प्रेजेंस ड्यूरिंग मेडिटेशन। मौला की अमान में रहें, अल्लाह हाफिज। नाजिश फातिमा, नाजिश फातिमा, मैं मेडिटेशन पे कई दफ़ा डिटेल में लेक्चर दे चुका हूँ। मेडिटेशन को मैं सिर्फ शॉर्टली, क्योंकि हर दफ़ा इतना डिटेल में नहीं दे सकता, सिर्फ एक्सप्लेन करूँगा कि मेडिटेशन का मतलब है अपनी सोच को किसी चीज़ पर फोकस करना। कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन एनी पॉइंट बेसिकली इज मेडिटेशन। जहन में जो मुख्तलिफ ख्याल का ताना बांधा है, यू नो देयर इज अ स्ट्रॉम ऑफ थॉट्स coming and going in, you have to stop them and focus on one particular thought, one particular ideology, one particular idea, one particular object. Us pe jab aap focus karte hain, that us amal ko meditation kehte hain. Ye mumkin hai ki meditation mein aap koi presence bhi mehsoos kare, depend karta hai meditation kya hai aapki. Jaise Allah ke kisi naam par meditation karte hain ya phir kuch aur cheezon pe meditation karte hain, to हर लफ्ज़ जो बोला जाता है उस लफ्ज़ के साथ उसकी कुव्वत होती है। आमतौर पर रूहानियत में से मौक्कलात कहते हैं। कुरान के किसी लफ्ज़ पे आप मेडिटेशन कर रहे हैं, कोई भी रिलीजन से आपका ताल्लुक हो, इट्स परफेक्टली क्लियर, राइट? तो अगर आप उस लफ्ज़ के ऊपर मेडिटेशन करते हैं तो लफ्ज़ की जो ताकत है वो आया होती है, वो बाहर आती है, और वो चूँकि उसके साथ मौक्कलात ताल्लुक होता है, मौक्कलात होते हैं, तो वो हो सकता है कभी आपको उनकी प्रेजेंस महसूस हो, कभी उनकी आवाज़ आए। मगर सिवाय चंद एक एहतियात के जो पास मेडिटेशन में करनी होती है, जिसको हम चिल्ले कहते हैं, वज़ाइफ कहते हैं, आपको अदरवाइज मेडिटेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मेडिटेशन आज के दौर में इस वक्त मेडिकली बड़ी पावरफुल चीज़ है। दुनिया के अंदर इसको प्रमोट किया जा रहा है कि मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो। मेडिटेशन की मुख्तलिफ अकसाम है। हम मेडिटेशन की दो मेन स्ट्रीम्स को ट्रेनिंग देते हैं, एक फोर डायमेंशन जो कि छोटा सा है, और एक सिल्वा जो कि बड़ा एक्सटेंसिव है। मुझे याद है आज एक मेरे पास ईमेल आई, मैं नाम नहीं बता सकता है, खातून का। उस खातून ने मुझे लिखा, शायद वो सिल्वा में एक लैब बनाते ना, तो वो अपने लैब में गई होगी या शायद फोर डायमेंशन में हीलिंग रूम में गई थी। तो उन्होंने कहा कि मैंने आपको देखा और आपके साथ दो बच्चे थे और मैं हैरान हुई कि सर कैसे आ गए, और आपने मुझे दुआएं दी, और पता नहीं मेरा कोई काम था तो मुझे कोई एडवाइस की या कुछ किया, और फिर मैंने कहा सर मुझे हीलिंग भी करे, मेरा कोई प्रॉब्लम तो वो प्रॉब्लम का आपने हल बताया। उसने उस खातून ने कहा कि मैंने आपसे कहा सर मुझे हीलिंग दी, तुमने डांट दिया मुझे, मैं हीलिंग नहीं दूंगा, मैं हीलिंग नहीं दूंगा। तो उसने मुझे ईमेल की कि सर ऐसा क्यों किया आपने। तो बहरहाल मैंने उसको समझाया, मैंने कही सब कॉन्शियस लेवल पे, दोनों की कम्युनिकेशन थी, कॉन्शियस लेवल पे नहीं थी, तो मैं अभी तो नहीं बता सकता, मगर अगर आपके ऊपर कोई असरात हैं तो शायद इस वजह से मैंने वह हीलिंग देने से आपको मना कर दिया। एनीवे, इसका ये मतलब नहीं कि मैं सबके ख्वाब में आऊँगा या सबके हीलिंग रूम में या सबके मैं सिल्वा में जो हम बनाते हैं लेबोरेटरी जिसमें आपके दो मौक्कल आते हैं, एक मेल एक फीमेल, तो ज़रूरी है कि हर एक के मैं आऊँगा। अगर मैं आ गया हूँ तो मुझे खुद नहीं पता, शौरी तौर पे मैं नहीं आता, ज़ाहिर है मेरी भी ज़िंदगी है, मैं भी रात को सुकून से सोता हूँ, मगर फिर हमारा सब कॉन्शियस तो ट्रेवल करता है ना, जिसको हम कहते हैं एस्ट्रल बॉडी या जिसमें मिसाली, वो जाता है कई जगह। एनीवे, आखिरी सवाल दोस्तों आज का, सर प्लीज़, अस्सलाम वालेकुम, आई वॉन्ट टू आस्क वन क्वेश्चन। लोग अक्सर ये कहते हैं कि जैसा शौहर, आज बीवी शौहर की बड़ी सवाल है, अक्सर कहते हैं कि जैसा शौहर होता है उसको वैसी बीवी मिलती है। उरूज, आर यू लिसनिंग? जैसा शौहर होता है उसको वैसी बीवी मिलती है, जैसी बीवी होगी वैसा शौहर होगा। नहीं,
शौहर को बीवी वैसी मिलेगी या बीवी को शौहर वैसा बिल्कुल मिलेगा? मुझे बिल्कुल सुनाई दे रहा है, हम दोनों खाना खाते हैं इसलिए तुम दोनों, तुम और अशफान परफेक्ट एक दूसरे के लिए। हाँ, क्योंकि दोनों खाते रहते हैं, दोनों खाते रहते हैं। एनीवे, बोथ ऑफ यू लव फूड, सो अल्लाह ताला आपको और रिस्क में इजाफा करे, सेहत दे, जिंदगी दे, आमीन। अच्छा, तो इसने कहा कि ये बात कहाँ तक ठीक है, जबकि दोनों काफी हद तक एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। अच्छा जी, दोस्तों, इस बात ने कोई ज्यादा वजन नहीं है। देखें जी, जब माशरा तश्कील पाता है, यानी जब सोसाइटी बनना शुरू होती है, तो सोसाइटी के अंदर कुछ नॉर्म्स बनाए जाते हैं और वो नॉर्म्स ऑब्जर्वेशन से होते हैं। कई दफा कुछ अनयूजुअल चीजें होती है जिसको आप कोई मायने नहीं दे सकते, उसका रीजन आपके पास नहीं होता। मतलब एक शख्स है, वो बुरा है, तो उसको बीवी बुरी मिल गई, तो अब लोगों ने जब देखा कि बुरा शख्स था, बीवी उसकी बुरी मिली, तो उन्होंने कहा ठीक है जी, ये आदमी जैसा था वैसी उसको बीवी मिली। कोई अच्छी औरत थी, बहुत नेक थी, उसकी शादी भी, शौहर भी उसको नेक मिला, तो लोगों ने कहा कि देखो, नेक औरत थी ना, उसको नेक शौहर मिला। ये जरूरी नहीं कि इस तरह हो। रिश्ते निभाए जाते हैं और बुने जाते हैं। कभी आपने स्वेटर बुनते देखा है किसी को? दो नीडल्स के दरमियान स्वेटर बुना जाता है। ये याद रहे कि कोई रिश्ता अच्छा बुरा नहीं होता, ये दोनों के ऊपर एक उस रिश्ते को कैसे वीन करते हैं, कैसे बुनते हैं, कैसे बनाते हैं, कैसे संभालते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर शौहर अच्छा नहीं है तो जरूरी है कि बीवी की कोई गलती हो। बाज माशरों में ये कहा जाता है कि चूंकि पिछले जन्म में आपने कोई गलती की थी, तो इस जन्म में आपको ऐसा शौहर मिला है जिसने आपकी जिंदगी अजीरन कर देनी है, मार मार के, कूट कूट के, या पिछले जन्म में आपने किसी के साथ ज्यादती की, तो इस जन्म में आपको बीवी ऐसी मिली है कि उसने आपको जूतों से मारना है। ये अगेन अकाइद की बात है, अकीदे की बात है। हम तमाम अकीदे को एहतराम कहते हैं अपनी अपनी जगह पर। कहते ना कि किसी के अकीदे को ना छेड़ो, ना अपना अकीदा छोड़ो, रहने दो जो आपका है। तो मुझे नहीं पता कि सब तक सही है, लेकिन पॉसिबल नहीं है। हाँ, बाज दफा ये कहते हैं कि नेक इंसान की नेकी की वजह से उसकी बीवी नेक मिल सकती है। तो दुनिया में कुछ आमाल ऐसे होते हैं जिसकी जजा और जिसकी सजा दुनिया में मिलती है। ये तो हम जानते हैं ना कि अगर आपने अपनी औलाद की अच्छी तरबियत की है, नेक औलाद है, तो पॉसिबल है बुढ़ापे में वो आपकी खिदमत करे। तो कभी कभी ये होता है कि कुछ आमाल ऐसे होते हैं जिसकी जजा या सजा दुनिया में मिलती है, और कुछ ऐसे हैं जिनकी सजा दुनिया में नहीं मिल सकती। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट, अभी वक्त नहीं है, इंशाल्लाह अगली जुमेरात को इस कॉम्बल के मेरे ख्याल में, अगर हमारा जो नेक्स्ट हेवन ऑफ हीलिंग है जो कि सैटरडे को है 11 बजे रात को, तो मेरे ख्याल में मैं उरूज से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इसके ऊपर बात करें कि कौन से, क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या उसूल हैं जिसकी बेसिस पे कुछ इंसान को एक्शन का रिएक्शन दुनिया में मिलता है और कुछ जो है वो आफ्टर लाइफ, यानी जिंदगी इसके बाद जो आकर रहते हैं वहां मिलेगा। बीच में कनेक्शन किया तो मैं शायद समझाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। हेवन ऑफ फीलिंग की इब्तिदा करते हैं दोस्तों। जो भी आपको सवाल करना हो, फिर कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाथ जोड़ कर कि आप मुझे ईमेल करें। एक और रिक्वेस्ट आपसे, हर दफा करता हूँ फिर कर रहा हूँ, मुझे आप फोन ना करें प्लीज। उसूलन एथिकली होता है कि जब आपको पता है कि एक शख्स फोन पे बात नहीं करता, उसके उसूल के खिलाफ है, उसकी ऑफिस की पॉलिसी है, तो प्लीज कॉल ना करें। मैंने आपको इतना कह दिया कि आप मुझे वॉइस मैसेज भेज दें, शॉर्ट में, छोटा सा वॉइस मैसेज, ताकि मैं भी सुन लूं और फौरन जवाब दे दूं, या मुझे आप मैसेज लिख दें, मैं उसका जवाब दे देता हूं आपको। तो उम्मीद करता हूं कि सैटरडे आपसे फिर मुलाकात होगी 11 बजे रात को, इसी तरह लाइव उरूज मेरे साथ होगी, और उरूज उसको फॉर्मुलेट कर देगी उस टॉपिक को जिस पे मैंने बात की, क्योंकि ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि अल्लाह ने जब हमें जहन दिया है ना, उसका इस्तेमाल तो हम करें, हम इस्तेमाल ही नहीं करते। हम दुनिया में आए,
माँ बाप ने स्कूल भेज दिया, उसके बाद बड़े हो गए, कॉलेज यूनिवर्सिटी, उसके बाद जॉब, शादी, बच्चे पैदा किए, दिमाग इस्तेमाल ही नहीं किया। तो इस सारे जो कोर कॉन्सेप्ट्स है ऑफ एग्जिस्टेंस एंड लिविंग, उसको रिफ्लेक्ट किया करें, सोचा करें उसके बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों हैमर ऑफ फीलिंग शुरू करते हैं। अगेन मेडिटेशन होगी कश्ती की, आप तालाब समझें, आप नदी समझें, आप दरिया समझें, जो आपकी मर्जी समझें। मेरे लिए लफ्ज पौंड बड़ा खूबसूरत है, पौंड, शायद बचपन की कोई याद है पौंड के साथ, तो पौंड वक्त बड़ा खूबसूरत है। तो मैं अगर पौंड कहूँ तो ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ तालाब हो, वो लेक भी हो सकती है, झील भी हो सकती है, वो दरिया भी हो सकता है, नदी भी हो सकती है। तो हम उस पर थोड़ा सा काम करेंगे। तो अब तैयार कर ले, अगर बच्चे हैं तो प्लीज़ अपने बच्चों को बिठाएं अपने साथ इस मेडिटेशन में, खाली वो बच्चे सुने आंखें बंद करके जो फॉलो करना। और ये मैं आपको बता दूं, बच्चों की इमेजिनेशन रिमार्केबल होती है। होजे सिल्वा ने जब सिल्वा डेवलप करना शुरू किया वर्कशॉप, उसने बच्चों से शुरू किया था और उन्होंने देखा कि बच्चों में इतनी तख्लीकी सलाहियत है कि वो चंद दिनों के कोर्स के बाद उनके ग्रेड्स कमाल के आने लगे, यानी इतने जबरदस्त ग्रेड्स आने लगे कि लोग हैरान हो गए। फिर पड़ोसियों ने अपने बच्चे भेजे कि हमारे बच्चों को भी जीनियस बना, उसने उनको भी बना दिया। फिर आगे जाके उन्होंने उस कोर्स को एडल्ट्स, बालिग लोगों पे अप्लाई किया और वहां उसको रिजल्ट मिला। तो अगर बच्चे आपके साथ होंगे इस उम्र से, अगर आपने उनकी अंदर क्रिएटिविटी, राइट ब्रेन थिंकिंग, इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन को डेवलप किया, तो यकीन करें आपके बच्चे बड़े होके बड़े कामयाब और अच्छे इंसान बनेंगे। सिर्फ कामयाबी काफी नहीं है, अच्छा इंसान बनना बड़ा जरूरी है। तो अच्छे इंसान बनेंगे इंशाल्लाह। तो जिसको आंखें बंद करनी है आंखें बंद करें। आपका लेक्चर वाज अमेजिंग एंड आई डिडंट वांट टू स्टॉप बट यू डूइंग द मेडिटेशन सो आई एम आल्सो बीइंग अ पार्ट ऑफ इट बट इट इज लाइक ब्यूटीफुली यू हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग। थैंक यू। क्लैप क्लैप। थैंक यू बेटा। अब सैटरडे के लिए तैयारी कर लो। अच्छा, तो जिनको लेटना है वो लेट जाए, जिनको बैठना है बैठ जाए, आंखें बंद कर लें, अगर नहीं करनी तो आंखें नीचे कर लीजिए और शुरू करते हैं उस मकाम लाहूत पर जो दुआ मांगनी है और जो दुआ देनी है, दोनों दे, आप दे भी और ले भी, मांगे भी और दे भी। मांगे इस तरह जैसे एक फकीर मांगता है, एक भिखारी मांगता है, उस तरह मांगे कायनात के मालिक और खालिक से, और दे इस तरह जैसे सखी देता है। आज सखावत पर था ना हमारे दोस्त का सवाल, इस तरह दे दुआ, इस तरह हीलिंग दे जैसे सखी देता है, सखावत का इजहार करें। रेडी जी, मैं लाइट्स ऑफ कर रहा हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 20 से गिनूंगा जी, हर नंबर पे महसूस करेंगे कि आप रिलैक्स होते जा रहे हैं। आंखें बंद कर लीजिए, बदन को बिल्कुल ढीला, रिलैक्स योर बॉडी। 20, 19, फील रिलैक्स। 18, 17, 16, फील मोर एंड मोर रिलैक्स। 15, 14, 13, जस्ट लेट गो ऑफ योर बॉडी नाउ कंप्लीटली। जिस कुर्सी पे बैठे हैं या जमीन पे बैठे हैं या पलंग पे लेटे हैं, अपना पूरा वजन दे दें। 13, 12, 11, ऑल द वे डाउन, डीप डाउन नाउ, और मजीद गहराई में जाएं। 10, 9, 8, डीपर एंड डीपर। 7, 6, 5, फीलिंग सो रिलैक्स नाउ, इतना रिलैक्स महसूस कर रहे हैं आप। 4, 3, ऑल द वे डाउन, डीप डाउन नाउ। 2, 1, You're now in a deep, deep state of relaxation. इस वक्त आप एक गहरी पुरसकून कैफियत में हैं,
मेरी आवाज, जब जब आप सुनेंगे आप रिलैक्स होते जाएंगे, चाहे आपकी आंखें बंद हो या खुली हो। जहन और जिस्म के तमाम वो निजाम जिसकी अभी जरूरत नहीं है, तो मेरी आवाज सुनते ही और लफ्ज रिलैक्स कहते ही उतना काम करेंगे जितना जरूरत है। आपको चैन फील होगा, सुकून फील होगा, पीस। अब मैं एक से तीन गिनूंगा, तीन पे एक चुटकी बजाऊंगा। चुटकी बजाते ही इमेजिन कीजिए, प्रोजेक्ट कीजिए अपने आप को, पहुंचा एक ऐसी जगह पर जहां या तो कोई दरिया है या फिर कोई झील है या फिर कोई तालाब है, उसके किनारे आप होंगे, पुरफजा मकाम है, दरख्त भी होंगे, पौधे हैं, फूल हैं, नीला आसमान है, सफेद पानी है, बिल्कुल साफ शफाफ पानी, और एक कश्ती होगी जिसमें आप सवार होकर मकाम लाहौत तक जाएंगे। फजा में खुशबू होगी, हवा के चौंके आपके गालों को, आपके चेहरे को टच करेंगे। एक, दो, तीन, तसव्वुर करें, इमेजिन करें कि आप उस झील के किनारे या तालाब के किनारे या दरिया के किनारे खड़े हैं। अब कश्ती में सवार होने से पहले वो तमाम बोझ जो आप अपने सर और कंधों पे रखे हैं, ऑल द एक्सेस बैगेज, नफरत का, गुस्से का, पछतावे का, मायूसी का, गुर्बत का, इफलास का, वो तमाम उतार के रख दें, उसे जमीन पे डाल दें। बगैर बोझ के आपने कश्ती में सवार होना है अपने प्यारों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अपने माँ बाप भाई बहनों के साथ, जिनको भी साथ ले जाना चाहिए। एक तख्ता है, उस तख्ते पे आप चलते हुए अपने प्यारों के साथ कश्ती में सवार हो जाए। अब महसूस करें कि जो बोझ आप उतार फेंका है आपने, आप कितना हल्का महसूस कर रहे हैं। The extra baggage that you managed to get rid of it, how light do you feel? कितना हल्का महसूस कर रहे हैं। कश्ती ने सफर का आगाज शुरू किया, एक सिम जा रही है, आपने नीचे देखा पानी का रंग सुर्ख रेड, आसमान को देखे सुर्ख रेड, कश्ती को देखे सुर्ख रेड, क्योंकि कश्ती इस वक्त शऊर की सबसे निचले दर्जे से ऊपर की तरफ जा रही है, तो आपको ये सुर्ख रंग जो कि शऊर का सबसे निचला दर्जा है, ये दिखाई दे रहा है, महसूस होता है। पानी में हाथ डालें, चल्लू भर के पानी निकाले, खुद पी, अपने प्यारों को पिलाइए। हवा के झोंके और थपकी अपने गालों और चेहरों पे महसूस करें। फजा के अंदर खूबसूरत महक है, उस महक को अपने अंदर समो लें। कश्ती आगे बढ़ती गई और अब हर चीज जो है वो ऑरेंज हो गई, आसमान ऑरेंज, कश्ती ऑरेंज, नीचे देखा पानी भी ऑरेंज। अब और अपने चुल्लू में पानी ले, खुद पी, अपने प्यारों को पिलाइए। शऊर का दूसरा दर्जा है, जहां इंसान अपने रिश्तों की, जिसके साथ वो मुंसलिक है, उसकी अहमियत को बाशऊर तौर पर जानता है। उसे पता है माँ का क्या मकाम है, बाप का क्या मकाम है, औलाद का क्या मकाम है, शौहर का क्या है, बीवी का क्या है, पड़ोसी का क्या है, भाई बहन का क्या है। और कश्ती आगे चलती गई, अब हर जगह पीला रंग, येलो, पानी भी पीला, आसमान भी पीला, कश्ती भी पीली। अब हाथ डालकर चल्लू भर पानी ले, खुद पी, अपने प्यारों को जो कश्ती में सवार है उनको पिलाए। और जैसे जैसे कश्ती आगे बढ़ती गई, अपने आप को पुरसुकून हल्का महसूस करें। तमाम गम और तमाम पछतावे और तमाम मुश्किलात तो आप छोड़ के आ गए, तमाम गलतियां, तमाम कजल्लियां, तमाम अदावतें, तमाम नफरतें, हसद, बुख, सब छोड़ के आ गए। और अब कश्ती जब आगे बढ़ी तो आपने नोटिस किया
कि हर जगह हरा ही हरा, ग्रीन आसमान, ग्रीन कश्ती, ग्रीन पानी, ग्रीन चल्लू भर पानी ले और फिर खुद पिए और अपने प्यारों को पिलाइए। ये हीलिंग का रंग है, शिफा का रंग है, खुद पिए दूसरों को पिलाए, शिफा मिलेगी आपको। और अब हम उस मकाम पर हैं जहां हर तरफ नीला, ब्लू आसमान नीला, कश्ती नीली, पानी नीला। ये आपके इम्यून सिस्टम का भी कलर है, कुव्वत मुदाफत का। ये रंग आपकी कुव्वत मुदाफत को ताकत बख्शती है, जला बख्शती है, आपके जिस्म को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाती है, लड़ती है जरासीम से। इस रंग की बड़ी अहमियत है आपकी जिंदगी में। एक मुट्ठी भरे पानी खुद पिए, अपने प्यारों को पिलाएं। और आगे बढ़े तो देखा कि हर जगह हर चीज जामनी रंग की, वायलेट, पानी जामनी रंग का, कश्ती वायलेट, आसमान वायलेट, हर चीज वायलेट। ये आपके इल्हाम का, ईएसपी का, इंट्यूशन का, ये जो कभी कभी आपको ख्याल आता है कोई आने वाला और वो आ जाता है, कभी ख्वाब सच्चे आते हैं, कभी किसी मुश्किल के आने से पहले अब आपको एक फीलिंग आती है कि आज कुछ बुरा होगा, ये कलर उसका है। अब हम उस मकाम पर पहुंचने वाले जिसे मकाम लाहूत कहते हैं। अब हर जगह हर सफेद हो गया, हर चीज कश्ती सफेद। और अब उस मकाम पर कश्ती रुक गई, कश्ती से उतरे, एक टीला है उस पे जाए, अपने प्यारों के साथ बैठे और अपनों को, प्यारों को, रिश्तेदारों को हम नवाह, हम सफर, शहर के लोग, मुल्क के लोग, दुनिया के लोग, बनी नौ इंसान को यहाँ से हीलिंग भेजे, दुआ भेजे। अपने लिए दुआ कीजिएगा, दूसरों को दुआ दीजिएगा। अपने लिए हमेशा दुआ की जाती है, दूसरों को दुआ दी जाती है। दुआ दें यहाँ से। अपने घर वालों को हंसता खेलता देखें, अब वापसी का सफर शुरू करते हैं, कश्ती में सवार हो जाएं। मैं एक से दस गिनूंगा, दस पे आप महसूस करेंगे कि आप पहले से ज्यादा खुश हैं, सेहतमंद हैं। अब वापसी का सफर होगा, कश्ती में बैठे, सफेद रंग से अब आप आए जामनी रंग की तरफ, जामनी रंग से आप आए अब ब्लू कलर नीला, नीले से अब आप आए ग्रीन हरा कन, अब आप पीले रंग से गुजरते हैं और फिर ऑरेंज रंग और फिर सुर्ख रंग। कश्ती रुक गई, बाहर आ जाइए, कश्ती से उतर जाइए। मुझे नहीं पता क्या हुआ, कोई मुझे बार बार कॉल कर रहा है, पता नहीं, समझ नहीं आती लोगों को कैसे समझाएं। आंखें खोल लीजिए जी, इसकी वजह से मेरे ख्याल में ये पूरा स्टॉप हो गया। उरुज या देर।
जी बिल्कुल, मैं यहाँ पे हूँ. थैंक यू सो मच गाइस फॉर जॉइनिंग टुडे. आई थिंक समबडी वाज कॉलिंग हिम, तो उनका फोन हैंग हो गया और समथिंग हैज हैपेंड एंड ही इज बैक. रूथ, समबडी वाज कॉलिंग फ्रॉम कनाडा. आई नो, इट्स ओके. बिल्कुल ब्रेक हो गया. इट्स ओके, मुझे समझ नहीं आती. आके खोल लीजिए जी, खोलो. समझ नहीं है क्या करूं मैं. लाइट तो खोलो. मतलब लोगों को इतना शऊर नहीं है कि जब एक आदमी नहीं करता बात. अच्छा, फिर मेडिटेशन की क्लास हो रही है. इस वक्त तूने दो दफा कॉल की है कि शख्स. इट्स ओके, चल. एनीवे, सो टुडे इट्स टुडे क्वेश्चन एंड द सेशन वाज रियली गुड. लाइक इट वाज अमेजिंग टू बी वेरी फ्रैंक. और ये तो आज ऑफिस में भी कुछ लोग थे जो आपके मेडिटेशन को फॉलो कर रहे थे. अभी बैठ के यहीं पे घरवर नहीं गए, उन्होंने कहा मेडिटेशन फॉलो कर रहे हैं. सो थैंक यू. अच्छा उरुज को अनाउंसमेंट है तो कर दो, फिर उसके बाद एक अनाउंसमेंट है. हमारी अपकमिंग वर्कशॉप सिल्वा की हो रही है 18 से, एंड देन रमजान के बाद मनी माइंड. बट राइट नाउ हमारी सिल्वा की वर्कशॉप हो रही है 18 से. एनीबडी हु वांट्स टू जॉइन ऑनलाइन ऑन वेबिनार, दे कैन आइदर व्हाट्सएप मी और दे कैन गो टू द वेबसाइट एंड रजिस्टर. आइदर यू कैन व्हाट्सएप मी और यू कैन रजिस्टर ऑन द वेबसाइट. जाए वहां पर रजिस्ट्रेशन कर लें अपनी. डॉक्टर मोइस को मैसेज करने के लिए या कोई चाहते हैं आपके क्वेश्चन करें या कोई आपका कमेंट आप देना चाह रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, व्हाटएवर, काइंडली ईमेल डॉक्टर मोइस में 123boss@gmail.com. सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, बिकॉज जो हमारी लाइव वीडियोज की रिकॉर्डिंग होंगी वो यूट्यूब चैनल पर होंगी. तो काइंडली सब्सक्राइब टू दैट एंड दैट्स अबाउट इट. शेयर दिस मेडिटेशन विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली सो दैट एवरीवन कुड बेनिफिट एंड हम कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को हासिल कर सके व्हेन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ नंबर वुड be a part of this meditation. Thank you so much, sir. And this lecture was awesome. Thank you. अच्छा, मैं चाहूँ request लोगों से जिन्होंने अब तक YouTube channel पे subscribe नहीं किया, because हम आहिस्ता-आहिस्ता Facebook पे videos नहीं लाएंगे, फिर सिर्फ YouTube पे होगी. तो please subscribe कर लें. और दूसरी चीज़ ये कि फिर हाथ जोड़ के कहता हूँ, मुझे call ना करें, for God's sake, please. अभी देखें पूरा session disturb हो गया. और मैं computer genius नहीं हूँ, मुझे तो बाद में ख्याल है कि उसको refresh करें तो फिर ठीक हो जाता है. वरना मैं मेडिटेशन के जरिए सोचता था कि मैं क्या करूं, और फिर ख्याल आया मैंने रिफ्रेश किया. तो थोड़ा सा इतना एहसास है कि प्लस हम इमरजेंसी केसेस नहीं लेते. गो टू हॉस्पिटल फॉर इमरजेंसी केसेस प्लीज. और एक और चीज़ उरूज ने, थैंक यू उरूज, उसने फाइनल डिसाइड कर लिया. अगले वीक से मेरे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट शुरू हो रहे हैं. आप वेबसाइट पर जाके फॉर्म फिलअप करें और उरूज को व्हाट्सएप करें और आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा. नहीं, मुझे व्हाट्सएप नहीं करें, वैसे वेबसाइट पर ऑन होगा आपका ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की रिजर्वेशन. So everybody would be not notified और वो जाके वहाँ कर सकते हैं. मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं. It would be automatic. Thank you, Uru. Thank you, Tabish. Thank you, Salim. And thank you, Adnan. And Shaji. रात को आप लोग अच्छा खाना खाएंगे. रटो लाम आए हुए हैं. किसी ने भेजे, थैंक यू वेरी मच. किसी ने मुल्तान से पेटी भेजी है, थैंक यू वेरी मच. मैं सिर्फ रटोल खाता हूँ, वो भी अनवर रटोल, खाली रटोल नहीं, उसके अलावा मैं कोई आम नहीं खाता. आप सबके लिए बहुत बहुत दुआएं. परवरदिगार आपको जिंदगी में बेतहाशा खुशियां दे, तौफीक दे के खुशियां दूसरों में बांटें. सखी बन के रहें, सखावत करें. पाकिस्तान पाइंदा.